हेलो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं फायर इंश्योरेंस क्लेम। हमारे गोडाउन में आग लग चुका है। गोडाउन के साथ साथ में हमारे पास ऑफिस में जितने भी पेपर्स थे वो भी जल चुका है। हमको ये देखना है कि उस रात को हमारे गोडाउन में कितना माल रखा हुआ था। अब हम लोग यहाँ वहाँ से, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से हमने रिकॉर्ड मांग लिया, सप्लायर से रिकॉर्ड मांग लिया, कस्टमर से रिकॉर्ड मांग लिया और उन सब चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह पे लिख रहे हैं, दैट इज इन ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे मैं बताया कि हमको ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाना है, तो इन फायर इंश्योरेंस क्लेम फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेट। ग्रॉस प्रॉफिट रेट से हमको ये पता चल जाएगा कि हम जिस गुड्स को भी सेल करते हैं उसके अंदर ग्रॉस मार्जिन कितना है, प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। अगर एक भी अमाउंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, या जो हम लोग सेकंड स्टेप करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में, रॉन्ग है तो क्लोजिंग स्टॉक रॉन्ग हो जाएगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि उस रात को हमारे गोडाउन में कितना माल था वो आंसर रॉन्ग आ जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा क्लेम का अमाउंट अटक सकता है। अब वो चीज़ क्या हो सकता है, कौन कौन से मिस्टेक्स हम लोग कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चन के अंदर वो एडजस्टमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा, तो हमको करना क्या है। पहला हम लोग थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट का एक अलग वे से देखते हैं। जब एक ट्रेडिंग अकाउंट का जो डेबिट साइड है, यहाँ पर आप देखते हो कि डेबिट साइड जो होता है वो हमारे गोडाउन को अप करता है, मतलब गोडाउन में गुड्स लेके आता है। जितना डेबिट साइड ज़्यादा होगा ट्रेडिंग अकाउंट में उतना ज़्यादा स्टॉक है, बराबर। उसी तरह से जितना हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे उतना गोडाउन कम होता जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी आइटम का अमाउंट ज़्यादा लिख दिया बाय मिस्टेक, तो आपका गोडाउन के अंदर स्टॉक ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, हालांकि गोडाउन में उतना स्टॉक है ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 50,000 लिखता हूँ और सब इग्नोर करता हूँ, तो 50,000 ए भी कितना हो गया 50,000, बाकी की चीज़ों को मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर करता हूँ। अगर 70,000 लिखता हूँ तो ये क्या होगा 70,000, तो आपने 50,000 का 70,000 किया तो गोडाउन भी ऊपर चला गया। उसी तरह से अगर मैं 50,000 का 30,000 लिखता हूँ तो गोडाउन कितना हो गया 30,000 हो गया। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेबिट साइड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्टॉक, मींस डेबिट साइड यू आर इंक्रीजिंग तो ऑटोमेटिकली योर गोडाउन विल गो अप। इफ द डेबिट साइड यू आर डिक्रीजिंग योर गोडाउन विल गो डाउन, ठीक है। और क्रेडिट साइड का हमारे गोडाउन के साथ में इनवर्स रिलेशन होता है, एक क्या था डायरेक्ट रिलेशन। अब क्रेडिट साइड को अगर मैं अप कर दूं तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा डाउन, और क्रेडिट साइड को अगर मैं डाउन कर दूं तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा अप। इसका मतलब होगा ये क्या हो गया इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इसलिए हमको जो भी डेबिट साइड में अमाउंट लिखना है, क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखना है, वो सब बराबर होना चाहिए। अब हम लोग इस बात पे आते हैं कि समझो हमने मिस्टेक कर दिया है, तो कौन कौन से मिस्टेक हमने कर दिया है और उसको किस तरह से हमको रेक्टिफाई करना है। अब ओपनिंग स्टॉक परचेजेस वेजेस फैक्ट्री एक्सपेंस सेल्स गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल क्लोजिंग स्टॉक, ये सब हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हमने टोटल मारा तो यहाँ पे हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिला, बराबर। मतलब ये इनकम है और ये आपका एक्सपेंस है, ये जो आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग अ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये भी बोल सकते हैं कि जिस तरह से आपका डेबिट और क्रेडिट स्टॉक को अफेक्ट करता है, रॉन्ग डेबिट रॉन्ग क्रेडिट आपके स्टॉक को रॉन्ग कर देता है, उसी तरह से
आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेट या ग्रॉस प्रॉफिट रेट या अमाउंट दैट आल्सो बी रॉन्ग बिकॉज ऑफ द रॉन्ग डेबिट अमाउंट एंड रॉन्ग क्रेडिट अमाउंट. जितना आप डेबिट ज्यादा लिखोगे उतना तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट कम दिखेगा, और जितना आप डेबिट कम लिखोगे उतना ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा. मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का डेबिट के साथ इनवर्स रिलेशन है और क्रेडिट के साथ में डायरेक्ट का रिलेशन है. उसके लिए आप देख सकते हो क्रेडिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम साइड, और डेबिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंस साइड. मोर एंड मोर इनकम मीन्स मोर एंड मोर ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया, और मोर एंड मोर एक्सपेंस मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट डाउन, इनवर्स रिलेशन हो गया. बराबर, इसका मतलब डेबिट के साथ में ग्रॉस प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशन है और क्रेडिट साइड का ग्रॉस प्रॉफिट के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है. अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, हमको ये फाइंड आउट करना है कि उस रात को हमारे गोडाउन में कितना माल था. लेकिन वो अमाउंट या वो जो स्टॉक जो हमारे गोडाउन में था, वो अगर हमने रॉन्ग रिकॉर्ड इंश्योरेंस कंपनी के सामने प्रोड्यूस कर दिया तो हमारा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. इसलिए आपको ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन या ईच एंड एवरी आइटम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी रिकॉर्डेड एट अ करेक्ट वैल्यू. ठीक है, इसका मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग होता है तो उसका पूरा का पूरा अफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक पे जाता है और पूरा का पूरा अफेक्ट आपके ग्रॉस प्रॉफिट रेट पे जाता है. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को सामने लेके करता हूँ. कि मैं सम कर रहा हूं और सम के अंदर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम लोग निकाल सकते हैं. तो उससे हमको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या ग्रॉस प्रॉफिट रेट. उसका फॉर्मूला है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. ये नेट सेल्स हुआ और एक ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. ठीक है, दूसरी चीज, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोज स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस. थोड़ी देर के लिए बोल दो दिस इज 100 रुपीज, कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज. एग्जाम्पल के लिए दिस इज सेकेंड नंबर, ओपनिंग स्टॉक सम में दिया हुआ है 90,000. ठीक है, मैंने यहां पे 90,000 लिखा और सम को सॉल्व कर दिया. बाद में पता चला कि जो ये ओपनिंग स्टॉक है इट इज अंडर वैल्यूड बाय 10% है. तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपका एक भी अमाउंट रॉन्ग है तो आपका स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों रॉन्ग हो जाएगा, और जिसका पूरा का पूरा इफेक्ट है आपके क्लेम अमाउंट पर चला जाएगा. प्लस अभी 90,000 है, इसका मतलब रॉन्ग है क्योंकि अंडर वैल्यूड है. और मैंने बताया कि हमको स्टॉक को एट कॉस्ट प्राइस पर लिखना है. तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज 100 किया, ठीक है, अंडर वैल्यूड है 10% पे, तो माइनस अंडर वैल्यूड 10%, 100 का 10% कितना होता है 10, तो कितना हो गया आपका 90. ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो है ओपनिंग स्टॉक वो 90 है, मींस इक्वल टू 90,000, और आपको क्या चाहिए एट कॉस्ट. इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा,
90,000 into 100 divided by 90, 1 lakh. तो जब हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे तो 90,000 नहीं लिखना है आपको, 1 लाख लिखना है। समझो आपने 90,000 लिखा तो ओपनिंग स्टॉक कम हुआ तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी कम दिखेगा और आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेट ज़्यादा दिखेगा, इसलिए आपको 1 लाख लिखना है ताकि आपका क्लोजिंग स्टॉक भी राइट आएगा और ग्रॉस प्रॉफिट रेट भी राइट आएगा। उसी तरह से हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,25,000 यहां पर, बराबर, और लिखा है इट इज ओवर वैल्यूड बाय 25%, overvalued by 25%. तो लेट द कॉस्ट प्राइस इज 100, ओवरवैल्यूड मतलब प्लस करेंगे 25%, तो कितना हो गया 25, 125 वैल्यूड है, दे दिया है 1,25,000 और हमको क्या चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1,25,000 into 100 divided by 125, आंसर आ गया 1 lakh। तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखना पड़ेगा 1 lakh। अब ओवर वैल्यूड होने की वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेट ओवर दिखेगा, इसलिए आपको क्लोजिंग स्टॉक को उसके प्रॉपर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड होगा तो आपको पहला क्या करना पड़ेगा, लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, अंडर वैल्यूड होगा तो माइनस करके आपका वैल्यू आएगा, उसके बाद जो स्टॉक लिखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनटू 100 करोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ओवर वैल्यूड होगा तो आपको कॉस्ट प्राइस में ऐड करना है, वैल्यू आ गया उसके बाद जो मैं स्टॉक का वैल्यू लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनटू 100 किया तो आपका आंसर आ गया कॉस्ट प्राइस है, तो ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ये जब हम परचेस की बात करते हैं तो परचेस मींस क्या होता है, परचेस ऑफ गुड्स, मींस परचेस ऑफ गुड्स। कल को एक ही दिन में आपने मशीन भी परचेस किया गुड्स भी परचेस किया और बाय मिस्टेक आपने परचेस ऑफ गुड्स और परचेस ऑफ मशीन दोनों यहां पे लिख दिया परचेजेस में। एग्जांपल के लिए परचेस ऑफ गुड्स है 1 lakh और परचेस ऑफ मशीन है 50,000, आपने यहां लिख दिया 1,50,000 और आपको बाद में पता चला कि परचेस इंक्लूड्स परचेस ऑफ मशीन, तो आपको क्या करना है 1,50,000 में से 50,000 माइनस कर देना है और बाहर परचेस का प्राइस कितना लिखना है 1 lakh का, ठीक है। तो परचेस, और जब हम परचेस की बात करते हैं तो गुड्स एक्चुअली रिसीव्ड होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने गुड्स परचेस किया, गुजरात से हमारी ट्रक चल चुकी है हमारे गोडाउन में आने के लिए, बिल कोरियर के थ्रू पहले ही आ गया और आपने बिल को देखे परचेस के एंट्री पास कर दिया लेकिन गुड्स अभी तक आया नहीं और उसके पहले ही आग लग गया, तो आपने क्या किया था कि इनवॉइस देखकर बिल देखकर एंट्री तो पास कर दिया था। एंट्री पास करने का मतलब आपको एक्चुअल में गुड्स रिसीव्ड हो गया है लेकिन आप प्रैक्टिकली देखो तो गुड्स अभी तक क्या है, इन ट्रांजिट है, ऑन द वे है। तो गुड्स मतलब इनवॉइस रिसीव्ड बट गुड्स इज नॉट रिसीव्ड, तो उस केस में अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, जो गुड्स रिसीव्ड नहीं हुआ वो परचेस में से आपको माइनस कर देना है, ठीक है। ये 12 मंथ्स का ट्रेडिंग अकाउंट होता है तो आपको परचेजेस 12 मंथ्स का ही लिखना है। कल को आपने 10 महीने का दिया हुआ है और ट्रेडिंग अकाउंट 12 मंथ्स का बना रहे तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा।
10 महीने का तो डिवाइड बाय 10 इंटू 12 करोगे तो आपको परचेजेस 12 मंथ्स का हो जाएगा। वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब भी आपको रिलेटेड टू फैक्ट्री लेना है। वेजेस के अंदर अगर बाय मिस्टेक एनी वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ असेट्स है इंक्लूड है तो आपको उस वेजेस में से माइनस कर देना है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री होना चाहिए। किसी टाइप का पर्सनल एक्सपेंस है तो उसमें से माइनस कर लेना है। और ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंस आता है वही लिखना है। कल को हमारे सब में कैरेज आउटवर्ड दिया है, फ्रेट आउटवर्ड दिया है, सैलरीज दिया हुआ है, वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है तो आपको नहीं लिखना है। सेल्स की जब बात करते हैं हम लोग तो सेल्स का मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स, मीन्स सेल ऑफ गुड्स, बराबर। मतलब आपने सेल किया गुड्स, आपने सेल किया मोटर कार या सेल किया कंप्यूटर, तो खाली सेल ऑफ गुड्स ही लिखना है। सेल ऑफ मशीन या सेल ऑफ मोटर कार, सेल ऑफ कंप्यूटर का इंक्लूड भी है तो आपको माइनस कर लेना है और सेलिंग प्राइस पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, जब भी हम किसी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री सैंपल में, That always be at cost. It does not include any type of profit. जैसे मैं किसी को सैंपल दे रहा हूँ और उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारा एक्सपेंस हुआ, हमारा कॉस्ट इंकर्ड हुआ 200, तो हमको 200 लिखना है। अगर उसी को मैं मार्केट में 300 में बेचता हूँ तो ये 300 नहीं लिखना है, क्योंकि हमने फ्री सैंपल में दिया, उसके ऊपर कोई प्रॉफिट हमको नहीं मिलता है, तो यहाँ पे हमको 200 ही लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट निकाल के लिखना है, प्रॉफिट अगर इंक्लूड है तो। तो क्लियर हो गया, तो क्या क्या मिस्टेक हो सकते हैं, उसको किस तरह से रेक्टिफाई करना है, क्यों रेक्टिफाई करना है, क्योंकि अगर आपका क्लोज स्टॉक या आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रॉन्ग है तो डेफिनेटली आपका जो स्टॉक मिलेगा एट द टाइम ऑफ फायर वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 1 ईयर एंड फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट इफ द ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज नॉट अवेलेबल इन द सम। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे सेकेंड स्टेप। सेम तुम्हारा फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का ही है, दिस इज अ ट्रेडिंग अकाउंट, ऊपर लिखा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड। समझो एग्जांपल के लिए 1 अप्रैल 2000 है, बराबर, और आग लग गया हमारा 14 अगस्त को 2000, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 14 अगस्त का बनेगा। पर्टिकुलर्स रुपीस, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्लोजिंग स्टॉक था, मतलब लास्ट डे ऑफ द स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी द फर्स्ट डे ऑफ द स्टॉक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर टू ओपनिंग स्टॉक, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक था ओपनिंग स्टॉक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर वहां पे कुछ भी मिस्टेक हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक भी रॉन्ग होगा और हमारे ओपनिंग स्टॉक भी रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको हर जगह पे जो भी अमाउंट लिखना है वो रेक्टिफाई करके करेक्ट वैल्यू ही लिखना है। देन परचेजेस जो लिखेंगे टू द डेट ऑफ फायर, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 14 अगस्त तक का जो परचेस होगा वो लिखेंगे, प्लस अगर कम लिखा है तो आपको 14 अगस्त तक का बनाना पड़ेगा, ज़्यादा लिखा है तो आपको माइनस करके लिखना पड़ेगा। ज़्यादा मोस्टली होता नहीं, लेकिन बाय मिस्टेक लिखा होगा तो आपको कट करके लिखना होगा।
परचेस रिटर्न होगा तो माइनस कर देंगे। फिर जो भी आपका वेजेस होगा टू द डेट ऑफ फायर, फर्स्ट डे टू द डेट ऑफ फायर, जो भी फैक्ट्री एक्सपेंस होगा फर्स्ट डे टू द डेट ऑफ फायर, फिर लिखेंगे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, फर्स्ट डे टू द डेट ऑफ फायर, ठीक है। अब आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट आया था वो यहां पर यूज होगा, यहां पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट टर्म, समझो 25% आया होगा तो 25% ऑन सेल्स करेंगे, इसके ऊपर निकलेगा, ठीक है। अब यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट रेट के हेल्प से आपको ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट मिल गया। मेमोरेंडम अकाउंट में आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा क्रेडिट साइड से, योर डेबिट साइड विल बी मोर देन द क्रेडिट साइड। तब देखो ए साइड का टोटल मारा यहां पे लिख दिया, समझो एग्जांपल के लिए हमारा सेल्स है 2 लाख और इस साइड का टोटल मारा तो हमारा यहाँ पे टोटल आ गया 3 लाख, तो हमने 3 लाख लिखा। अब 3 लाख में से 2 लाख गया तो 1 लाख जो बैलेंस आया उस बैलेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, इट्स स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ठीक है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। उस रात को हमारे गोडाउन में 1 लाख का गुड्स था। अगर इसमें से कोई भी आपका अमाउंट रॉन्ग है तो आपका ये 1 लाख रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपका क्लेम का अमाउंट अटक सकता है, इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको पैसे नहीं देंगे। तो स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 3 है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। तो उसमें लिखेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जो ये आया है, लेस सालवेज, सब में दिया रहेगा कि आग लगा तो इतना माल बच गया, समझे 1 लाख है और 20,000 का माल सालवेज है तो 80,000 का माल जल गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस बाय फायर, ठीक है, लॉस बाय फायर बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि उस रात को हमारे गोडाउन में कितना माल था। तो 3 स्टेप में हम लोग सम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेट, इफ द ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज नॉट अवेलेबल इन द सम। सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड आउट द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बाय प्रिपेयरिंग द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इज आल्सो नोन एज अ प्रोफॉर्मा ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रोफॉर्मा या मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज इट इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द 12 मंथ्स, इट इज prepare for the less than 12 months. That's why it is called as a memorandum trading account. Thereafter, third step is prepare the statement of claim. In that, we write the stock on the date of fire, less salvage, if any, and then we can know the amount of the loss by fire or claim amount. ठीक है? तो जो मैंने first clip या second clip explain किया, इससे आपका fire insurance का at the most थ्योरी टॉपिक कवर हो गया, तो प्रैक्टिकल करते समय आपको ये सब हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। हैव ए नाइस डे फ्रॉम द प्रैक्टिस सर।